भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने 20 दिसंबर 2017 को मुजफ्फरनगर विधानसभा चट्ठावल क्षेत्र के ग्राम लोहारी में दो दलित मासूम छात्राओं की गला काटकर हत्या और शामली के कांजरा थाना क्षेत्र के ग्राम घड़ीसाम में एक कच्चप समाज की नाबालिग छात्रा की हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जिलाध्यक्ष कमल सिंह वालिया ने कहा कि यदि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हमें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। इस संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश SC ST आयोग एवं मानवाधिकार आयोग को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। लग रहा है कि क्या नाम जो है यहाँ की अंधी सरकार दलितों की जो पीड़ा है उसे सुनना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी। रोज जो है इस सरकार में निरंतर दलित और मुस्लिम पर हमले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग तरह तरह कर रहे हैं, लेकिन सरकार गुंगी बहरी हो चुकी है। अभी देवबंद में जो है गाँव असिमपुरे का एक मामला है, अकबरपुर का, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ था, लगभग 20 दिन हो गए हैं, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये चरथावल का ले लीजिए, लोहारी गाँव का, कल एक बच्चे की जो है गर्दन और एक बच्चे की गर्दन धड़ कर दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग हम पे वो इल्जाम लगाते ना कि भीम आर्मी सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़ती है, भीम आर्मी पूरे भारत की महिलाओं की, बहनों के समाज की। आज जो सब समाज की लड़कियां सोनी शामली के अंदर, उसकी कोई, मैं उन संगठनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो संगठन ये बताए कि आप करना क्या चाहते हो। मैंने सब संगठन, कोई किसी की सेवा करते संगठन, वैसे तो अगर कोई पैसे की रिकवरी हो तो सब संगठन धड़ाधड़ खड़े हो जाते हैं, क्या वो बहन के सम्मान में ये संगठन क्यों खड़े नहीं हो रहे। मैं उन सभी संगठनों से इस मीडियम के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बहन किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की बहन नहीं थी जिसका इस प्रकार से मर्डर हुआ है, क्यों इस चीज़ों को दबाया जा रहा है। मैं सभी पूरे भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बहनों के सम्मान में, वो भी जिस प्रकार भीम आर्मी निरंतर काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि सब एक छत के नीचे आकर इन बहनों के सम्मान में, जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपने बच्चे तक बलिदान करते, हम चाहते हैं कि सारे साथ होकर इन मनुवादी सोच के लोगों के विरुद्ध एक साथ होकर, एकजुट होकर जंग लड़नी चाहिए।